पंडित जी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पंडित जी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पंडित जी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पंडित जी बचुआ कहा है ना, तुम्हारा एक भी स्वर सही नहीं दिखा हमको, ना सही लगा है। हम बड़े दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो खाली बस आपस के लोग कहते रहते हैं, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी का कत्ल कर दिया। हमारा दिल जानता है कि हम बहुत साफ स्वच्छंद विचारधारा के व्यक्ति हैं। देखो बच्चुआ, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, आत्मा तो अजर अमर है। तुम्हारा सुर एक भी सही इसलिए नहीं लगा, काहे से तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर तांडव मचा रहा, तो तुमको तो मरना पड़ेगा। हाँ, मरने से पहले एक खेल खेल ये है, अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग। ये ठीक है तुम्हारे लिए, इससे तकलीफ थोड़ी कम होगी। क्यों भाई, चलो ये ठीक। ये तो थोड़ा घातक है, अस्त्र शस्त्र में भी काम आता है, और इसको कई लोग जो है वो तरकारी वरकारी भाजी काटने के भी काम लेते हैं। बड़ा भाई, तुम हमको प्रताड़ित कर रहे हो, ये तो कुछ ठीक लग रहा है, इससे तुमको काटने में आनंद आएगा। ये देखो भाई, ये बड़ा कमाल का है। ये क्या है कि बच्चों की कॉपी किताब स्टेपल करने के काम आता है, स्टेपलर बोलते हैं को, इसे तुम्हारा पेज रोल कर देंगे। तुम यार आनंद नहीं दे रहे हो हमको, तुम्हारा एक भी सुर सही नहीं लग रहा है, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारी दिशा दशा सब कुछ भिन्न प्रकार के मार्ग में बही जा रही है। तो तुमको ऐसी मौत देते हैं महाकाल के द्वारा, जो हमें प्रदान किया उन्होंने, हमारे बाहुओं में जो ये बल दिया है कि तुमको छुट्टी देते हैं, एक बार पुनः तुमको रिपीट टेलीकास्ट दिखाते हैं। न कोई मरता है न कोई मारता है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है।